Hello friends and students. So this is the part 8 of our chapter 2. Name of this chapter is Adobe Flash CS 6. And in this part we will learn about symbols, that what are symbols and how do we create them. Okay, so let's start today's video. So यहाँ पर flash मैंने आपके लिए पहले से open कर रखा है. तो यहाँ पर मैं रेक्टेंगल टूल का यूज़ करके कुछ ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ. जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल ही बना दिया पहले तो, और फिर उसके बाद इसी पे क्लिक किया, ओवल टूल सेलेक्ट कर लिया, और फिर मैंने ओवल शेप मतलब एक सर्कल सर्कुलर शेप बना दी. ठीक है, नहीं मैंने, मैं एक बार दोबारा से बना लेता हूँ. ओके, सेंटर में थोड़ा सा नहीं बन पाया, चलो अब बना दिया. अब मैंने क्या किया, एक लाइन टूल ले लिया और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर एक लाइन यहाँ से भी मैंने ड्रॉ कर दी, एक लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर दी, एक लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर दी. तो अब यहाँ पर देख रहे हो, एक जैसे कुछ एक बॉय जैसा सा कुछ स्ट्रक्चर बन गया है. बट अभी है क्या, ये सारे अलग अलग है. मैं सेलेक्ट टूल लेता हूँ, अगर इसको सेलेक्ट करूँ, ठीक है, इसको उठाता हूँ तो ये देखो बस कलर कलर उठाया, बाकी वहीं रह गया. अंडू किया, ऐसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके उठाता हूँ तो ये भी वहीं रह गया. तो सारे ये जो पार्ट्स हैं इसके, ये अलग अलग हैं. ठीक है, अभी तो एक जगह पे, बट मैं अगर किसी को भी एक पार्ट को मूव करता हूँ तो बस सिर्फ वो पार्ट मूव हो रहा, बाकी कोई भी मूव नहीं हो रहा. तो जो सिंबल हम सीखने वाले हैं उसके दो यूज़ हैं. एक तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बार बार हमें यूज़ करना है. मान लो यही जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये बार बार हमें इस वीडियो में यूज़ करना है. अलग अलग, अभी तक तो हमने अलग अलग फ्रेम्स पर काम करना सीखा नहीं है ना, एक ही फ्रेम पर हम काम किए जा रहे हैं. ठीक है, सारा कुछ और एक ही लेयर में काम कर रहे हैं. अभी हम सीखेंगे जैसे कई लेयर्स भी बनाएंगे, ठीक है, और कई जो ये डिफरेंट डिफरेंट ये यहाँ पे जो फ्रेम्स होती हैं, तो इनमें भी काम करना सीखेंगे आगे आने वाले वीडियो में. तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट हमने एक बार बनाया उसको बार बार कहीं यूज़ करना पड़ सकता है. तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सिंबल्स बना लेते हैं कि आपने जो भी चीज़ बनाई है, ओके, जो भी ऑब्जेक्ट बनाया उन सबको. एक तो सिंबल करने से दो काम होते हैं, वो सारे मिल के जितने अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं वो एक बन जाएंगे. जैसे अब मैं ये जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना, इनके इन सबको एक ऑब्जेक्ट बना दूँ और फिर उसका कोई नाम रख दूँ, और फिर इस ऑब्जेक्ट को मैं बार बार कहीं भी यूज़ कर पाऊँ फटाफट, बस एक क्लिक किया यही ऐसा ही ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा एक बन जाए अलग. ठीक है, तो ये सब काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिंबल बनाना पड़ेगा. तो सिंबल कैसे बनाएंगे, पहले तो इसके जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं उनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं. तो पहले इस पे मैंने डबल क्लिक किया तो ये जो सर्कल वाला पार्ट है ये पूरा सिलेक्ट हो गया. फिर कंट्रोल बटन को प्रेस कर लेना है, और फिर अगले वाला जो ऑब्जेक्ट है मैंने इस पे डबल क्लिक किया बट वो अनसेलेक्ट हो गया. शिफ्ट के साथ करके लेते हैं, एक बार इस पे क्लिक किया फिर शिफ्ट दबा के डबल क्लिक इस पे किया. ओके, कंट्रोल नहीं शिफ्ट दबाएंगे. ठीक है, तो शिफ्ट को दबाए रखना है, अभी भी छोड़ना नहीं है. फिर इस पे जो लाइन है इस पे डबल क्लिक कर दिया तो जितने भी लाइन थी वो सारी ही सिलेक्ट हो गई हैं. ठीक है, तो आप देख रहे हो ये सारी कुछ सिलेक्ट हो गया. ओके, अब जब ये सारा सिलेक्ट हो जाए तो हमें क्या करना है, इसको सिंबल बनाना है. अब सिंबल बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो सिलेक्ट करने के बाद एक डायरेक्ट F8 की होती है, जैसे मैं प्रेस करता हूँ F8 कीबोर्ड से प्रेस किया तो देखो ये क्या गया, कन्वर्ट टू सिंबल. मतलब जो जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट कर रखे हैं वो सारे सिंबल में कन्वर्ट हो जाएंगे. ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना, ये सारे क्या बन जाएंगे, अब एक सिंबल बन जाएगा. सिंबल बनने का बेनिफिट क्या होगा, हम इस ऑब्जेक्ट को जब चाहे जहां मर्जी क्रिएट कर सकते हैं, जितनी बार मर्जी क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहां पर आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मान लो मैं एक नाम दे दिया इसको बॉय. ओके, कुछ भी नाम आप रख सकते हो अपनी मर्जी से. तो फिर इसको मैंने कर दिया ओके. अच्छा, ये करने से पहले एक और भी ऑप्शन है, यहाँ पर टाइप्स भी है. इस टाइप्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन आएंगे, या तो आप इसको एक मूवी क्लिक के रूप में भी सेव कर सकते हो, बटन के रूप में भी बना सकते हो, या ग्राफिक. बटन का मतलब है इन पर कुछ क्लिक करें तो कुछ काम हो अलग से. ठीक है, तो अगर ऐसे बनाना चाहते हैं तो, और ग्राफिक्स का मतलब एक सिंपल जैसे एक ऑब्जेक्ट है, एक पिक्चर की फॉर्म में मुझे इसको बनाना है. तो मैं अभी ग्राफिक ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके इस पे क्लिक कर देता हूँ. तो जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज के बाद एक और टैब है लाइब्रेरी. इस लाइब्रेरी में मैं अगर जाकर देखूँ तो ये देखो बॉय नाम का एक सिंबल बन गया. अभी मैंने एक ही सिंबल बनाया है, और सिंबल बनाएंगे तो वो यहाँ पर ऐड होते जाएंगे, यहाँ आते जाएंगे. ठीक है, जैसे आप कुछ और बना के उनको भी सिलेक्ट करके ऐसे बनाओ. ओके,
तो इस तरीके आप कितने भी सिंबल बना सकते हो, फिर इन सिंबल्स को हम बाद में रीयूज कर पाएंगे, मतलब किसी और फ्रेम पर, किसी और स्लाइड सॉरी फ्रेम पर या किसी और लेयर पर इसको मुझे क्रिएट करना हो, किसी भी सिंबल को वहां पे मैं कर पाऊंगा, ठीक है। बट वो कैसे करेंगे जब बाद में ही हम सीखेंगे, क्योंकि अभी बस इतना ही है कि सिंबल्स बनाने कैसे हैं वो। ओके, आपको शायद आ गया है। हाँ, इसका मैं बता रहा था। दूसरा तरीका क्या है, एक तो मैंने डायरेक्ट F8 की करके बनाया था, एक बार मैं अंडू कर देता हूँ। ओके, तो ये अंडू हो गया है, और फिर मैं शिफ्ट दबा के इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो, ये सारे फिर से सेलेक्ट हो गए हैं। तो दूसरा तरीका क्या था कि मैं कहाँ क्लिक करूँ, कि मॉडिफाई ऑप्शन में जाके, और यहाँ पर एक ऑप्शन है सिंबल्स का, ठीक है। ओके, और सिंबल्स सॉरी सिंबल्स नहीं, ऊपर भी ऑप्शन है कन्वर्ट टू सिंबल, जहाँ पे ये लिखा है F8 शॉर्टकट की भी है। तो हम एक्चुअली नया सिंबल नहीं बना रहे, सिंबल का यूज होता है जब नया सिंबल बनाना हो या किसी सिंबल को किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना जो पहले से बना हो। अभी पहले से नहीं बना ना, तो क्या करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, कन्वर्ट टू सिंबल। तो सबसे पहले तो इसको सिंबल में कन्वर्ट करेंगे, तो इस पे क्लिक कर देंगे, तो फिर से वही डायलॉग बॉक्स आ गया। फिर से आप ऐसे नेम दे सकते हो दोबारा से, तो जैसे वही दोबारा मैं नाम देता हूँ बोए, और यहाँ से वही टाइप भी सिलेक्ट कर लेंगे और ओके। तो आप F8 भी क्लिक कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो F8 की, और या फिर ये जो ऑप्शन है मॉडिफाई में कन्वर्ट टू सिंबल, इस पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल प्लस F8 होता है न्यू सिंबल क्रिएट करने के लिए, ओके। और ये होता है किसी जो पहले से ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिंबल्स में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। तो शॉर्टकट की को ध्यान रखना है, एग्जैक्टली याद रखनी है, कन्वर्ट टू सिंबल की शॉर्टकट की क्या है, F8। और ये तभी वर्क करेगी जब कुछ सिलेक्ट हुआ। देखो, अभी फिलहाल कुछ भी मैंने सिलेक्ट नहीं कर रखा, तो ये ऑप्शन जो डिसेबल हो गया, ग्रे कलर में बदल गया ना, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो कुछ होगा भी नहीं। देखो, कुछ हो भी नहीं रहा, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इस पर, ठीक है। ये तभी वर्क करेगा जब कुछ सिलेक्ट कर रखा होगा, यानी कि आप उस चीज को सिंबल में कन्वर्ट करने जा रहे हो, ओके। तो ये था हमारा कि सिंबल्स क्या होते हैं, वो कहाँ सेव होते हैं, वो ये लाइब्रेरी में आकर सेव होते हैं जब हम उनको कन्वर्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ओके। सो आई होप आपको ये आज का जो वीडियो है सिंबल्स वाला वो अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।